युवा साथियों, 7 जून को त्रिवेणीनगर जयपुर में युवा बेरोजगार महासम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। साथ ही युवा बेरोजगारों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा ये युवा बेरोजगार महासम्मेलन। हम कोशिश कर रहे हैं इसमें अलग अलग सेशन होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं उद्घाटन सत्र में, पहले सेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी को बुला है, उसके बाद तमाम पार्टियों के नेताओं को बुला है और उसमें युवा बेरोजगारों की वो पीड़ा, वो बातें रखी जाएगी। पेपर लीक को लेकर युवाओं का क्या दर्द है, कैसी वो यातनाएं और पीड़ाएं सहन करते, क्या हालात बनते हैं, कैसे वो तैयारी करता है और कैसे वो टूट जाता है। चर्चा होगी पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं के सामने कि केंद्र सरकार ने कितनी भर्तियां जो होने वाली है, पेंडिंग है, उनको सुझाव दिए जाएंगे, ज्ञापन दिए जाएंगे कि ये मांगे पूरी की जाए। राज्य सरकार में तमाम चीजों को लेकर उस माननीय मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री जी के जो प्रतिनिधि मंत्री शामिल हो गए उनके सामने बात रखी जाएगी। साथियों, आपने देखा होगा कि अलग अलग समाज के लोग कोई महाकुंभ, कोई महापंचायत, कोई महासम्मेलन बुला रहे हैं और अपनी ताकत राज्य सरकार को एहसास करवा रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार को एहसास कराने की बात हो। लेकिन साथियों, हर समाज, हर जाति, हर धर्म के लोग, युवा बेरोजगार हर भर्ती की तैयारी करता है। क्या हम सब मिलकर इस 7 जून को होने वाले ऐतिहासिक युवा बेरोजगार महासम्मेलन को सफल नहीं बना सकते हैं? साथियों, अभी से आप लोग तैयारियों में जुट जाएं, गांवों में हर जगह मैसेज करिए कि हमारे भविष्य के लिए, हमारा भविष्य बचाने के लिए, पेपर लीक मुक्त राजस्थान कराने के लिए, प्रक्रिया दिन 2 लाख जो 1 लाख का जो घोषणा हुई है उनका कैलेंडर जारी करवाने, उनकी भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी करवाने और प्रक्रिया दिन 1 लाख भर्तियों को तत्काल पूरी करवाने के लिए, यानी कि युवाओं को सपनों को पूरा करवाने के लिए ये ऐतिहासिक युवा बेरोजगार महासम्मेलन होगा। साथ ही कुछ लोग इस चीज से बौखलाए हुए हैं कि उपेंद्र यादव आवाज लगाता है, हजारों लोग कैसे पहुंच जाते हैं, इतनी इसको लोग इतना क्यों चाहते हैं। इसलिए साथियों, ऐसे अपवादों से आपको बचकर रहना है। हमें एकता दिखानी होगी कि जब अलग अलग समाज के लोग बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं तो हम सभी समाज के लोग, सभी समाज के युवा इस युवा बेरोजगार महासम्मेलन को कामयाब क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए साथियों, सभी से अपील है 7 जून के जो त्रिवेणीनगर सामुदायिक भवन एक बड़ी जगह है, वहां हम लोग इसको इस आयोजन कर रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है, इसका उद्देश्य यही है। कई लोग कह रहे हैं बीजेपी को क्यों बुलाया जा रहा, कई लोग कह कांग्रेस वालों को क्यों बुलाया जा रहा, अलग अलग पार्टियों के नेताओं को क्यों बुलाया जा रहा है। तो बुलाने का उद्देश्य यही है कि उन तक बात पूछे कि आपकी पेपर लीक को लेकर क्या, रोकथाम को लेकर क्या रोडमेप है, जो प्रक्रिया दिन भर्तियां हैं, जो नई भर्तियां, चाहे केंद्र की, राज्य सरकार की भर्तियां हैं, कितनी भर्तियां आप दे चुके हैं, कितने क्या, तो हम लोग सारा वहां मंथन करेंगे। मीडिया मौजूद रहेगी और चुनावी माहौल है। साथियों, चुनावी माहौल है, हमारा एक मैसेज देना है कि युवा इस बार जाति और धर्म के आधार पर नहीं बटेगा, इस बार नौकरी और रोजगार के आधार पर वोट करेगा। तो साथियों, जब हम सब मिलकर इस आयोजन को सफल बनाएंगे, उम्मीद करता हूं कि मैंने मेरी बात रखी है, बीजेपी के नेताओं के पास भी बात रखी है, कांग्रेस के नेताओं के पास बात रखी है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की संभावना पूरी है, यदि मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे तो 2 मंत्री आएंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष नेता हो, 2-2 नेता हर पार्टी को बुलाने की हम कोशिश कर रहे हैं, उनके सामने यूं ही वो पीड़ा रखें कि पेपर लीक से उनके क्या हालात बनते हैं। क्योंकि साथियों, बीजेपी और तमाम नेताओं को बुलाने का उद्देश्य यही है कि ये महामंथन होगा, वहां युवाओं की समस्याओं को दिखाया जाएगा, उठाया जाएगा, बीजेपी के नेताओं के सामने केंद्र की जो भर्तियां हैं उनकी समस्या रखी जाएगी, कांग्रेस के नेताओं के सामने यहां राजस्थान की जो तमाम भर्तियां हैं उनका जिक्र किया जाएगा, उनके हल और निस्तारण की मांग की जाएगी। वहीं अन्य दलों के जो नेता आएंगे उन तक पेपर लीक की जो युवाओं की पीड़ा है वो पूछाई जाएगी। तो साथियों, कुल मिलाकर ये एक महामंथन होगा युवाओं के, बेरोजगारों के भविष्य को लेकर, और कोशिश की जाएगी। क्योंकि साथियों, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं किसी ने को जब उन्होंने बड़ी सभाएं की तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिला है। उम्मीद करते हैं कि हम प्रयास करेंगे तो केंद्र सरकार भी कुछ करेगी और राज्य सरकार कुछ करेगी, तुलना की जाएगी किस सरकार ने कितनी नौकरियां दी है, क्या हालात बने हैं। तो साथियों, 7 जून को होने वाला युवा बेरोजगार महासम्मेलन एक ऐतिहासिक सम्मेलन होगा, इसमें सभी युवाओं को अधिक से अधिक जुड़ना है। सभी से मेरी एक विशेष अपील है, युवाओं से, आप सबसे मेरी इसलिए अपील है कि कोशिश करें अपने मां बाप, परिवार के सदस्यों को भी लाने की कोशिश करें। ये अभियान, ये आपके भविष्य का अभियान है, आपके भविष्य बचाने का अभियान है। हम सब मिलकर लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भविष्य बचा सकते हैं, क्योंकि आपके साथ साथ आपके माँ बाप भी सपना देखता है कि मेरा बेटा और बेटी कब कामयाब होंगे, कब नौकरी लगेगी, लेकिन पेपरों को भेज दिया जाता है, भर्तियां लटक जाती है, क्या क्या नहीं होता, क्या क्या पीड़ा नहीं झेलता। लेकिन हम सब मिलकर लड़ेंगे, अपनी ताकत का एहसास करेंगे। युवा प्लस गुजर, युवा जो नौकरी के इंतजार कर रहा, गुजर जो उनके माँ बाप, उनका आशीर्वाद होगा तो ये ऐतिहासिक सम्मेलन होगा।
साथियों इसके अलावा जो इसमें सम्मेलन में कार्यकर्ता की भूमिका, एक वॉलंटियर की भूमिका, और वो स्वेच्छा से इस कार्यक्रम में काम करना चाहता है, तो इसके जब मैं अभी ट्वीट कर रहा हूं तो नीचे अपने मोबाइल नंबर जरूर लिखना या मुझे पर्सनल मेरे नंबर पे आपके नंबर भेजना, जिससे आप लोगों को एक टीम बना सके। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ये प्रोग्राम हम सबका, यानी कि आप सबका प्रोग्राम है, आप खुद इस कार्यक्रम के भागीदार, यानी कि मुख्य भूमिका में आप लोग हों। तो मैं सबसे ये अपील करना चाहूंगा 7 जून को सुबह 10 बजे त्रिवेणी नगर जो जेडीए का सामुदायिक भवन है उसको बुक करा लिया गया, जेडीए से परमिशन ले ली गई है, और अब से तैयारियों में जुट जाओ। 7 जून सबके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, चाहे वो प्रक्रियाधीन भर्ती हो चाहे नई भर्तियां हो, तमाम युवा बेरोजगारों की आवाज बुलंद करने का काम युवा बेरोजगार महासम्मेलन करेगा। ये युवा बेरोजगार महासम्मेलन ऐतिहासिक होगा, देश का पहला युवा बेरोजगार महासम्मेलन होगा, और इसमें अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे, वो भी अपनी पीड़ा रखेंगे कि उनके राज्य में क्या हालात है, राजस्थान के क्या हालात है। तो ये एक महामंथन के साथ साथ युवाओं के सपनों को पूरा करवाने, युवाओं की आवाज बुलंद करने के लिए युवा बेरोजगार महासम्मेलन होगा। ये नॉन पॉलिटिकल होगा, इसके किसी राजनीतिक दल से या पॉलिटिकल नेताओं से कोई मतलब नहीं है, इसका माध्यम यही होगा, वहां मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और नेताओं के माध्यम से अपनी युवाओं की पीड़ा नेताओं के पास, राजनीतिक पार्टियों, सरकारों के पास और जनता के सामने रखी जाएगी। क्या युवा पेपर लीक से कैसे दंश, कैसे पीड़ाएं झेलता है, कैसे भर्तियों का इंतजार करता है, कैसे फॉर्म भरता है, सारी चीजें इस भी युवा बेरोजगार महासम्मेलन में एक मंथन किया जाएगा। तो सभी युवाओं से अपील है 7 जून को सुबह 10 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयपुर त्रिवेणीनगर स्थित सामुदायिक भवन अधिक से अधिक पहुंचे, अपने सभी साथियों को अधिक से अधिक लेकर आए और इस युवा महासम्मेलन को कामयाब बनाए। धन्यवाद।